मम्मा ये खिड़की कौन खोल देता है यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक हो गए, फिट हो गए अपने अपने घरों में। नहीं यार, आपको मेरे नए ब्लॉग के अंदर वेलकम कर। ओके, मम्मा ने मुझे अभी वहाँ किचन से आवाज दी है और वो यहाँ का पर्दा भी हटा के चली गई। मैं यहाँ पे सो रहा था और किचन से आवाज दी उन्होंने मुझे और उनकी आवाज मुझे यहाँ तक आई है। और एक सेकंड में मुझे मेरी आंख खुली उनकी आवाज की वजह से, और मेरी आवाज की वजह से भी मान की भी आंख खुली और वो उनके बैठ गई है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। यार टाइम हो रहा है, आई थिंक इस वक्त 12:10 हो रहे हैं और मैंने अपने जल्दी उठा दिया आज। खैर अभी उठते हैं और देखते हैं क्या करना है। नींद तो ऐसे भी बहुत आ रही है, बट अब एक मिनट बाद उठ रहे हैं फिर दोबारा सोने का चक्कर। थैंक यू। सुबह फजर की अजान के बाद से शुरू कर दिया करो, मैं सोता ही उस वक्त। और मम्मा ने मुझे एडवाइस दी है कि फजर की अजान के बाद से ब्लॉगिंग शुरू किया करो, उस वक्त मैं पूरा डन होता हूँ और मेरा सोने का टाइम ही उसमें होता है। 12:30 हो रहे हैं आज, मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ वरना मैं उठता हूँ तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब। मेरा शेक बनाया था आपने रात को? पहले तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं पीता हूँ शेक, कभी मैंगो शेक होता है, कभी बनाना शेक होता है, हमारे रात को बना देती हैं। और फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो पीता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ नाश्ता। है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। बिल्ली मिल्क शेक नहीं पिएगी? बिल्ली मिल्क शेक पिएगी? कैसी बात कर रही है आपने यार। ठीक है, फ्रेश अगर कोई चिल्ड चपक चीज़ ना पी होना मेरा दिन नहीं बनता। तो अभी मम्मा ने बनाया ये पीता हूँ और ये यहाँ पर बैठी हुई है। क्या है वे? क्या है? देते हैं तुम्हें खाने के लिए कुछ, देते हैं खाने के लिए कुछ। मैं स्कूल से तो हमारे स्कूल कुछ लगेगी। क्या बोला तूने? इसके लिए कुछ करते हैं अभी, और अभी पीते हैं शेक। जब तक सुबह उठ के फ्रेश चीज़ में ना पियो ना मेरा दिन नहीं बनता, मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। पर मेरी अभी बहुत दिन से ये आदत बन गई है कि मैंने सुबह उठना है और उठ के जो है अपना शेक पीना है। मेरी आदत कब से, कितने टाइम से बन गई है? मेरे ख्याल से मैं कब से पी रहा हूँ, जो 2 महीने तो हो गए ना मुझे। भाई जब से गर्मी आई है ना यहाँ पर कराची में, तो गर्मी भी इतनी शदीद पड़ रही है कि आपकी सोच नहीं है। ठीक है, वैसे इतनी है नहीं, हम मुल्तान से हैं, हम वहाँ की गर्मी के आदमी हैं। वहाँ पे 48 टेम्परेचर वहाँ का होता है, यहाँ पे 38, 40, 41 से ऊपर नहीं गया आज तक यहाँ पर। और मुल्तान में तो 48, 49 तक टेम्परेचर जाता है। तो हम वहाँ के आदमी हैं, यहाँ के नहीं, लेकिन यहाँ की गर्मी भी, यहाँ की गर्मी किस तरह की मम्मा? यहाँ की ना गर्मी वो है, कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहते हैं? चिपकने वाली गर्मी। ये कौन सी गर्मी? चिपकने वाली गर्मी? क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे अगर नाश्ता सुबह का मम्मा के हाथ का ना होना मजा नहीं आता। पहले तो ये पीते हैं यार। मजेदार मजेदार। 1 hour later होकर मैं अभी फारिग हुआ हूँ और मुझे एक बैड न्यूज सुनने को मिली है कि मेरे मामू जो हैं उनका मोबाइल स्नैच हो गया। और अभी मैं ईमान से पूछता हूँ, ईमान को बताया हूँ तो बताओ। अभी नहा के निकला हूँ तो मुझे पता चला। ईमान बताओ क्या हुआ? मुझे भी अभी पता चला है, नाजमबाद वाली साइड पे बोर्ड ऑफिस है ना, बोर्ड ऑफिस के ऊपर फ्लाई ओवर है, मुझे नहीं पता वहाँ से। बोर्ड ऑफिस के फ्लाई ओवर के ऊपर से गन पॉइंट पे स्नैच हुआ है? यार गन पॉइंट पे मोबाइल स्नैच हुआ है और ये तो रात की बात है। हाँ ये रात की बात है, उन्होंने अभी आके बताया। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कराची में, और पुलिस के पास भी जाए तो कोई इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि वापस तो आने ही है। चीज़ नसीब में हुई तो कहीं कहीं ऐसे होते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं ऐसे जिनके 2-3 साल पुराने मोबाइल या बाइक जो होती हैं वो वापस आ जाती हैं। मैंने अक्सर इस तरह के वाक्यात सुने हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। क्या कर रही हो माँ? मेकअप कर रही है और लिपस्टिक लगाकर बेस ऊपर लग बिल्कुल पानी रही है अभी। मैं मेकअप नहीं करती, मैं जब शादियों में जाती हूं ना किसी फंक्शन होता है, मेकअप लगाकर अभी बिल्कुल ये लग रही है बांदरी।
वो जो बंदर डू डू ही लेके फिर रहे होते ना, छोटे छोटे से बंदर नाच रहे होता है उछल उछल के इधर उधर, वो लग रही है बिल्कुल। मैं आपको दिखा नहीं सकता पीछे वो कर, ब्लॉग बंद करना, ब्लॉग बंद करना। मुझे बचपन से आती है। बात करके फंस जाना ये वही वाला काम। नहीं मैं बात करके फंसी नहीं हूँ, मुझे इसके साथ लगी पड़ी काफी देर से। क्या लगा? बांदरी रख दो ना, अच्छा लगेगा। बांदरी वैसे बैल और बांदरी में कोई फर्क नहीं है, बी तो स्टार्टिंग में। मैं इसको ये बोल रहा था बात यहाँ पर है कि मैं इसको ये बोल रहा था कि ये जो है अपनी ठीक है मेरी शर्ट की वजह से सही से साफ है। बाहर मोबाइल लेके जा नहीं सकता मैं, हल चलाया मैंने और ये मैं लेटा। मैंने हल चलाया ये आया हमारे पास, इनका अभी मोबाइल चोरी हुआ है नाजमाबाद से। ये बहुत दुखी है इस वक्त, लेकिन क्या नहीं खाती मम्मा, क्या बना रहे थे अभी? दाल बना रहे थे, तुमने नहीं खाई? चलो घास खा लो, फिर जाकर थोड़े जो घास खाते ना वो वाले घास खा। बंदरी गजब बेइज्जती है। तो यार मैं जा रहा हूँ इस वक्त नमाज पढ़ने, और मौसम बाहर का जो है वो बहुत ही फिट हुआ है, तो नमाज आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो पांचों वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत रोज़ करते रहें। जमात शुरू हो गई है, अभी हमें वजू भी करना है। फाइनली नमाज पढ़ ली, चप्पल मैं अपनी यहाँ पर रखता हूँ ताकि चोरी ना हो जाए। बंदा अपनी पूरी सोर्स लेके आ रहा था, पूरी सोर्स है उसके साथ, वो कुछ कोई कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। वो अगले वो करके मारेंगे। चल झूठा, क्लास में बैठी होती है। अच्छा ये फगार, इसे फगार कहते हैं, तड़का, फगार में एक तड़का ही होता है। अभी ये मम्मा इसमें डालेंगे, डालो मम्मा, अभी बन रहा है पर अभी सिर्फ इसकी आवाज़ सुनना खाली। और मेरा चेहरा बनाया ये काम जब कर रही होता ना बड़ा मजा आता है, पता आपको? बस मशरूम होते कि मैं काम में तो मजा आता है, वरना फारिक फिर रही होती है पूरे घर में, फारिक फिर रही होती। भूख लग रही है मुझे खाना, मैं भूख से मर रहा हूँ। आपको अपनी आवाज की फिक्र नहीं होती? रोटी पकड़ी नजर नहीं आ रही, पक तो रही है, मेरे पेट में कब जाएगी, मैं मर जाऊंगा इस तरह। बस 5-10 मिनट। 2 मिनट्स लेटर। यार खाना बन रहा है तो अभी काफी टाइम है, और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया था, यहाँ पर मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।